दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से इंटरफेथ इंटरफेस प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग धर्मों की अनुयायी शामिल हुए, जो तमाम लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। यह आयोजन दिल्ली पुलिस वीक के अंतर्गत किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस की कोशिश रहती है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सके। आज का जो प्रोग्राम था, ये बेसिकली इसका नाम हमने इंटरफेथ इंटरफेस दिया था। इसका जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि स्पेशल सेल बहुत एक्शन करता है, प्रोएक्टिव भी रिएक्टिव भी जब कोई इंसिडेंट होता है, लेकिन प्रोएक्टिव जो हमारा एक्शन है, जिससे ये इंश्योर हो सके कि जो यूथ समय से जिनको मोल्ड किया जा सकता है ताकि वो कोई ऐसी गतिविधि ना करें जिससे उनको सारी ज़िंदगी रिग्रेट करना पड़े, उस पर हम ज़्यादा फोकस करना चाहते थे। इसीलिए हमने तकरीबन 400 के करीब गैदरिंग थी। इसमें सब धर्मों के लोग थे, ख़ास तौर पे ऐसे लोग थे जो कि रिलीजियस टीचिंग या प्रीचिंग में शामिल हैं, जो कि एक तरीके से इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि अपनी रीच से बहुत ऐसे यूथ को टाइम रहते मोल्ड कर सकते हैं ताकि कोई ऐसी वो चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जिससे बाद में उनको रिग्रेट हो। कमिश्नर हरगोविंद सिंह धालीवाल ने बताया कि किस तरह से स्पेशल सेल द्वारा की गई काउंसलिंग की मदद से उन लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकी जिनका क्राइम करने का कोई इरादा नहीं था और किसी गलतफहमी के चलते वो इसमें शामिल हुए। कमिश्नर ने बताया कि ऐसे लोगों ने काउंसलिंग के बाद अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर किया। हमारे यूनिट के साथ उनके जो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस थे वो बहुत ही अलग थे, तो उन्होंने वो तमाम शेयर किया कि कैसे जो लोगों की ज़्यादा गलती नहीं थी, जिनको जिनका कोई इंटेंशन नहीं थी क्राइम की, चाहे वो एक तरीके से किसी की गलत फहमी से या किसी भी ऐसी मिस कम्युनिकेशन के कारण छोटा मोटा उनका कहीं पे कोई रोल रहा, उसके बावजूद भी स्पेशल सेल ने उनको काउंसलिंग करवाई और इंश्योर किया कि जिस आदमी की इंटेंशन नहीं है, जो कि एक तरीके से अगर उसको कोई डिफरेंट व्यू होता या इनसेंसिटिव व्यू होता तो शायद उसी चीज़ के लिए उनको ऐसे किसी चीज़ में बुक किया जा सकता था जिससे उनकी तमाम ज़िंदगी ख़राब हो जाती। तो ऐसे यूथ आए जिन्होंने ये शेयर किया कि कैसे उनकी ज़िंदगी बहुत ही एक पॉजिटिव रास्ते पर चली गई, कैसे उनकी टाइमली काउंसलिंग से उनके पेरेंट्स भी शुक्रान करते हैं और कैसे उनकी जो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न जो कि कंस्ट्रक्टिवली सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे स्पेशल सेल की एक सेंसिटिव इंटरवेंशन के साथ उनकी जो ज़िंदगी थी और उनके परिवार की ज़िंदगी थी जो कि बड़ा नेगेटिव मोड ले सकती थी, वो उस नेगेटिव मोड लेने से बच गई।